नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस चैनल पे। मैं हूँ ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। एक ऐसा ही हमारे एक व्यूअर हैं और उन्होंने एक ऐसा ही प्रश्न पूछा है कि जिसके माध्यम से मैं आपके सामने मैं आज उपस्थित आया हूँ, जो ये बताना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। अगर जो आप इस विषय पर अगर जो आप पूरी जानकारी जानना चाहते हैं, क्योंकि विषय क्या है, जैसा कि आपको इंट्रो और थंबनेल देख के आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो किस विषय पर आधारित है, ऐसी स्थिति में आपको करना क्या चाहिए। तो अगर जो आप ये जानकारी पूरी देखना चाहते हैं और पूरी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जो जानकारी है या स्किप करके देखेंगे वो सही तरीके से पूरी तरीके से आपको समझ में नहीं आएगी, या उसको समझने में आपको कठिनता हो सकती है। जो कोई भी तथ्य अगर जो मिस हो जाएगा वो आपको समझने के लिए हो सकता है दोबारा फिर से आप देखें। लेकिन अगर जो आप वीडियो आप इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। अगर जो आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आपका ये अपना चैनल है जिसमें आपको इसमें कई तरीके की मैरिटल रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, जो अराइज होती है, उसी के आधार पर आपको जानकारी इसमें मैं प्रदान करता हूँ। और ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में जैसा कि आपको थंबनेल देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि वीडियो किस विषय पर आधारित है, कि अगर जो कोई प्रॉपर्टी अगर जो इंगेज की गई है या उसको मेंटेन किया गया है हस्बैंड के द्वारा या वाइफ के द्वारा, तो उसमें इस स्थिति में अगर जो डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसमें करना क्या चाहिए, क्या दोनों पक्ष में अराइज होगा, क्या लॉ कहता है, किसके आधार पर कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, इन्हीं सब सारे सवालों का मैं आपका जवाब देने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित आया हूँ। कि जैसा कि एक सवाल पूछा गया है कि सवाल यह है कि अगर जो कोई हस्बैंड है उसने अगर जो अपनी प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे परचेज कर दी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर जो वाइफ हाउस वाइफ है तो उसका सोर्स ऑफ इनकम जो होता है वो हस्बैंड की ही इनकम पे डिपेंड होता है, तो इसके आधार पे अगर जो कोई वाइफ है अगर जो उसने प्रॉपर्टी इंगेज कर ली है किसी भी तरीके से, क्योंकि हस्बैंड की आय पे ही वो निर्भर है, हस्बैंड ने अपना फेथ मेंटेन करते हुए वाइफ के ऊपर जो प्रॉपर्टी में सारा पैसा लगाया और वो पैसा जाके वाइफ के नाम पे उसने रजिस्ट्री करा दी और उसी के नाम पे म्यूटेटेड हो गई है। अब यहाँ से डिस्प्यूट ये अराइज होता है कि वाइफ ऑफ से उसने लगती है कि प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसको हम जैसे चाहे उसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे चाहे उसको हम इसको सेल करें या उसको मेंटेन करें या पोजीशन में रखें, जो चाहे हम कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे आगे वो मिस हो जाती है, जब ऐसे विचार ही जब मस्तिष्क में आने लगते हैं तो यहीं पे वो थोड़ा फेल होने लगती है, क्योंकि ये भी देखा गया है कि जब दोनों में डिस्प्यूट अराइज हुआ है, क्योंकि जहाँ तक डिस्प्यूट नहीं अराइज होता तो फेथ अगर दोनों में मेंटेन है तो इसमें कोई तथ्य में कोई नुकसान नहीं है कि जब तक फेथ मेंटेन है। जब फेथ कमजोर हो जाता है, जब कहीं से एक दूसरे पे भरोसा घट जाता है, जब भरोसा घट जाता है तो डिस्प्यूट जो है वो और भयंकर रूप ले लेता है, वो डिस्प्यूट जाके कोर्ट तक पहुँचता है। लेकिन जब दोनों में डिस्प्यूट अराइज होता है तो एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि दोनों पक्ष में अगर जो कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, जाहिर से तौर पे अगर डिस्प्यूट अराइज हुआ है तो सबसे पहले हस्बैंड कोर्ट में नहीं जाता है चाहे, और जाहिर तौर पे सबसे पहले जो वाइफ है वो सेक्शन 125, सेक्शन 12 और 498 केसेस जो लीगल रेमेडी अवेलेबल है वो उनके साथ में कोर्ट में पहुँचती है, क्योंकि प्रोटेक्शन जो है वो वुमेन को मिला हुआ है, तो उस प्रोटेक्शन के आधार पर। अब ये कहना उचित नहीं है, इसे कुछ लोगों का यूजफुल भी होता है लेकिन कहीं ना कहीं इसका मिसयूज भी होता है। लेकिन ये जो तथ्य है, ये से अगर जो प्रॉब्लम अगर जो फेस की जाती है सोसाइटी के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि कोर्ट ये प्रिज्यूम करती है, ये मानती है, वो भी जानती है अगर जो हस्बैंड ने अपने इनकम से अपनी पैसे से अगर जो कोई प्रॉपर्टी परचेज किया है और वो प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में जो उसका सोल राइट है, जो एब्सोल्यूट राइट है, वो वाइफ का उस पर अराइज नहीं होता था, वो हस्बैंड एंड वाइफ की ज्वाइंट प्रॉपर्टी मानी जाती है। लेकिन अगर इसके विपरीत अगर जो वाइफ ने अगर जो परचेज किया है हस्बैंड के नाम पे, अगर जो वाइफ इनकम है उसकी, अगर जो वो एम्प्लॉयड है कहीं भी सेक्टर में किसी भी विभाग में, तो उस आधार पर अगर जो उसकी कोई प्रॉपर्टी है वो उसकी हस्बैंड के नाम पे परचेज कर दिया है, तो हस्बैंड की प्रॉपर्टी में वाइफ का एब्सोल्युटली राइट तो वैसे ही बनता है जो एस्टेब्लिश लॉ है, क्योंकि अगर जो नहीं भी ऑर्डर होता है, नहीं भी कोर्ट जाती है, हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर वाइफ का एब्सोल्यूट राइट मेंटेन रहता है। लेकिन डिस्प्यूट यहीं पर भी समाप्त नहीं हो पाते हैं, डिस्प्यूट आगे तक भी जाते हैं, लेकिन इस आधार पर
ये तथ्य अवश्य मस्तिष्क में आता है। लेकिन इसके विपरीत एक तथ्य ये भी ये चीज अवश्य मस्तिष्क में आती है कि क्या अगर जो कोई प्रॉपर्टी है वो हस्बैंड ने वाइफ के नाम पे परचेज कर दी है तो इस पे वाइफ का क्या सोल राइट या एब्सोल्यूट राइट बन जाता है, वो जिस चाहे जैसे भी चाहे जिस तरीके से अगर जो उसको एंटरटेन करना चाहे जो उसका करना चाहे क्या वो कर सकती है। तो इसमें जो कोर्ट का व्यू है जिसमें जजमेंट पहले से पारित हुए हैं उसमें के आधार पर जो कोर्ट ये प्रिज्यूम करती है क्योंकि ये ऐसी प्रॉपर्टी हस्बैंड एंड वाइफ की ज्वाइंट प्रॉपर्टी होती है और इसमें दोनों लोगों का राइट रहता है क्योंकि दोनों जो भी प्रॉपर्टी होगी सेल करें या मेंटेन करें इसमें दोनों लोगों की सहमति के आधार पर ऐसी प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस हो पाता है। तो हुई लॉ की बात, अब प्रश्न ये उठता है कि जो लॉ बना है जो ये कानून है ये अगर जो ऐसा इस्टेब्लिश है ऐसा लॉ में प्रोविजन दिया गया है उसको लागू कैसे करेंगे, किस किस आधार पर किस किस परिस्थिति में हमें जो उसकी प्रॉपर्टी में राइट में क्या अधिकार मिलेंगे तो उसको लागू कैसे किया जाए, प्राप्त कैसे प्रॉपर्टी करेंगे। अगर जो हस्बैंड ने अपनी प्रॉपर्टी परचेज की है और वाइफ के नाम पे वाइफ में और हस्बैंड में दोनों में डिस्प्यूट उत्पन्न हो गया है तो ऐसी स्थिति में जो वाइफ है वो हस्बैंड को प्रॉपर्टी दे नहीं रही है तो इस स्थिति में अब आपको करना क्या चाहिए, अवेलेबल लॉ क्या है उसके आधार पर आप अपनी रेमेडी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अगर जो ऐसा तथ्य अगर जो ऐसा फैक्ट अगर जो आपके सामने अगर जो उपस्थित आता है तो सबसे पहले आपको पिटीशन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए और उस पिटीशन में आप अपने जो फैक्ट है जो ग्राउंड है किस किस आधार पे क्या क्या है वो आधार है वो आपको अपने पिटीशन में मेंशन करने होंगे। और इसके अतिरिक्त साथ में मेरी एक एडवाइस ये भी है कि जो ऐसी स्थिति में अगर जो कोई भी भविष्य में इस तरीके की अगर जो कोई गलती या कोई भी फॉल्ट आपके फेवर आपके साथ अगर जो उसमें ना हो तो आपको अधिवक्ता के माध्यम से पिटीशन ड्राफ्ट करवानी चाहिए और उस पिटीशन में आपको अपने सारे कारण और आधार मेंशन करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पिटीशन प्रस्तुत करनी चाहिए। अच्छा एक चीज और है जो पिटीशन में जो तथ्य और जो कारण वही लिखने होंगे जिनको आप प्रूफ कर सकते हैं जिनमें आप उसमें एविडेंस या मटेरियल आप उपलब्ध करा सकते हैं, वो फैक्ट वो आधार पिटीशन में आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे कि जो हमने लिख तो दिए है लेकिन उसको हम प्रूफ नहीं कर सकते। अगर जो आप उस फैक्ट को उस आधार को कोई भी फैक्ट है जो आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं तो वो इमटेरियल है उसको कोर्ट बिल्कुल नहीं पड़ेगी ना ही उसको एंटरटेन करेगी। आपने पिटीशन में सारे आधार अगर जो आपने मेंशन करके रखे हुए हैं तो उसमें आपको रिलीफ अवश्य मिलेगी और कोर्ट ये देखेगी फिर उसमें विचार किया जाएगा कि जो आप एविडेंस और जो मटेरियल आप प्रोड्यूस कर रहे हैं कोर्ट के सामने तो उस स्थिति में आपको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है जो वाइफ ने प्रॉपर्टी खरीदी है वो किस सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि वाइफ ने जो प्रॉपर्टी खरीदी है उसमें पेमेंट भी हुआ होगा तो कोर्ट ये भी विचार करती है ये भी देखती है कि उसमें सोर्स ऑफ इनकम क्या रहा है कि सोर्स ऑफ इनकम से उसको पैसा कहाँ से आया, पैसा जो पेमेंट किया गया है वो कैसे किया गया किस तरीके से किया गया, अगर जो पैसा आया है तो वो कहाँ से आया, जाहिर सी तौर पे अगर जो वाइफ अगर जो हाउस वाइफ है तो उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो अपने हस्बैंड के सोर्स ऑफ इनकम पे ही वो डिपेंड करती है। तो अगर जो इस तरीके का अगर जो कोई पेमेंट हुआ है तो वो पेमेंट अगर जो ऐसी प्रॉपर्टी अगर जो परचेज की जाती है तो मैंने ये प्रैक्टिकली देखा हुआ है कि प्रॉपर्टी तो हस्बैंड ने परचेज किया सारा पैसा उसने दिया अपने बैंक से उसने चेक का पेमेंट भी किया लेकिन जो नाम हो जाता है वो वाइफ के नाम पे करा देते हैं क्योंकि ये भी है क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं जो में जो स्टैम्प और जो फीस में जो प्रोविज़न है उनमें उनको डिडक्शन और कुछ डिस्काउंट भी अवेलेबल रहता है। इसके आधार पर हस्बैंड है कि प्रॉपर्टी जो है वो घर में ही रहेगी हस्बैंड के नाम पर हो या वाइफ के नाम पर फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल सही है फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता है, फर्क तो तब पड़ता है जब दोनों में डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, जब दोनों में डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तब ये फर्क पड़ना शुरू हो जाता है कि प्रॉपर्टी है किसकी, वो जिसके नाम पे है वाइफ ये कहती है जिसके नाम पे ये प्रॉपर्टी उसकी है, लेकिन कोर्ट ये विचार अवश्य करती बिल्कुल देखती है कि पेमेंट का सोर्स क्या है किस मैनर से उसको पेमेंट किया गया है। अगर जो आप ये प्रूफ कर ले जाते हैं कि उसमें जो पेमेंट हुआ है जिसने जो भी प्रॉपर्टी खरीदी है उसमें अगर जो पेमेंट हस्बैंड के बैंक से हुआ या हस्बैंड से हुआ है तो इसमें कहीं से कोई गुंजाइश नहीं रहती है, वो प्रॉपर्टी हस्बैंड की ही मानी जाएगी। या इसके अतिरिक्त अगर जो आपको फिर भी लगता है कि कोई तरीके का डिस्प्यूट है तो वो आप अपनी जो वाइफ के नाम पे जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी है जो उसकी रजिस्ट्री उसको आप उसमें माननीय न्यायालय के समक्ष जो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट हो उसके सामने आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। फिर एक नया तथ्य निकल के आता है सामने कि अगर जो आपने उसको चैलेंज किया तो अगर जो आपके पास सारे फैक्ट और सारे मटेरियल आपके पास अगर जो अवेलेबल है तो आपकी जो रजिस्ट्री आपने वाइफ के नाम पे कराई है वो उसको आप कैंसिल करा सकते हैं।
और अगर जो एक तथ्य और मैं एक फैक्ट मैं बताना चाहूँगा, अगर जो किसी भी तरीके से अगर जो आप ये नहीं प्रूफ कर पाते हैं कि अगर जो प्रॉपर्टी या हस्बैंड ने परचेज किया है वाइफ के नाम पे, तो इस स्थिति में अगर जिसके पास वाइफ के पास अगर जो प्रॉपर्टी बनी रहती है, तो उस स्थिति में मेंटेनेंस के क्वेश्चन पे जगह जो वो मेंटेनेंस का मुकदमा करती है, उस पर पिटीशन मूव करती है कि हमको हस्बैंड से मुकदमा के रूप उस मुकदमे में हमें हस्बैंड से मेंटेनेंस दिलाया जाए, तो आप उसमें ये ग्राउंड ले सकते हैं कि उसके पास सच एंड सच प्रॉपर्टी उसके नाम पे है, वो उसके सोर्स से इनकम खरीदी, इस आधार पे आप उसको मेंटेनेंस देने से आप उसको रोक सकते हैं। और आज का वीडियो इतना ही है, यहीं तक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए आपके साथ। और अगर जो आप वीडियो पे अंत तक देख रहे हैं, तो अगर जो आपको वीडियो पसंद आई है, अगर जो अच्छी लगी है, कोई भी जानकारी अगर जो आप इससे प्राप्त हुई है, तो इसको लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक इसको शेयर अवश्य करें। और इसके अतिरिक्त अगर जो आप हमसे कोई जानकारी जानना चाहते हैं, क्योंकि सारे फैक्ट और सारी जानकारी हम उसको इस छोटे से वीडियो में संकलित नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई ना कोई तथ्य, कोई ना कोई जानकारी अवश्य छूट जाती है, तो उसके अतिरिक्त अगर जो आप कोई हमसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करने का जो माध्यम है वो स्क्रीन पे भी मेंशन है और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है, जिसके आधार पे आप हमसे प्रोसीजर फॉलो करके हमसे आप अपॉइंटमेंट लेके भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं और हमसे आप जो भी जानकारी चाहिए आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।